तो नेक्स्ट हमारा है शुक धान्य वर्ग। धान्य मनुष्य के आहार का अधिकतम भाग होता है, मुख्यतः तीन प्रकार का होता है, शुक धान, समी धान, क्षुद्र धान। शुक धान में फल प्राय शुक युक्त होते हैं, तीन टाइप के होते हैं, साली, षष्टिक, व्रीही। इसमें साली हेमंत ऋतु में पकता है, षष्टिक ग्रीष्म ऋतु में पकता है और व्रीही शरद ऋतु में पकता है। साली धान्य में रक्त साली तथा षष्टिक में गौर षष्टिक श्रेष्ठ होता है। गुण कर्म की बात करें तो साली पित्तामक, अल्पकफवातकारक, सुखवर्धक एवं ग्रहण होता है। षष्टिक त्रिदोष घन, लघु, स्निग्ध, मधुर, शीतवीरी होता है। व्रीही गुरु, अम्ल विपाक, मधुरस, पित्तकारक, मूत्र पुरुष बढ़ाने वाला होता है। प्रयोग आहारी औषधि दो टाइप के होते हैं, तो आहार की बात करेंगे तो भात, पूड़ी, खिचड़ी के रूप में हम इसे लेते हैं। औषधि की बात करें तो तरण पंचमूल में साली मूल मिलाकर उत्तम मूत्र विरेचनी के रूप में करते हैं। तंडुलतक उत्तम रक्त पित्त सामक है। हम इसकी बात करें तो बोटेनिकल नेम इसका ओरिजा सताइवा है और फैमिली ग्रैमिनी है। तो नेक्स्ट है इसमें गोधूम, इसका बोटेनिकल नेम है ट्रैटिकम असटाइवम, फैमिली ग्रैमिनी। भेद तीन टाइप के हैं, महागोधूम, मधुली, नंदीमुख। वर्तमान में कृषि वैज्ञानिकों द्वारा सैकड़ों प्रजातियां विकसित की जा चुकी हैं। गुण कर्म की बात करें तो मधुर, गुरु, शीतवीर, जीवनी, वर्ण उत्तम करने वाला, वातपित्त नाशक है। प्रयोग आहार्य औषधि वैसे दो हैं, आहार्य देखेंगे पूरी रोटी बाटे के रूप में प्रयोग करते हैं। औषधि की बात करें तो वात रक्त में गेहूं के आटे को बकरी के दूध में मिलाकर लेप करते हैं, बल एवं वाजीकरण के रूप में प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा आएगा यव। यव किसे कहते हैं हम, तो यव हम जौ को बोलते हैं। बोटेनिकल नेम हॉडियम वल्गेर, तो इसका बोटेनिकल नेम हो जाएगा हॉडियम वल्गेरी। फैमिली ग्रैमिनी। भेद तीन टाइप के हैं, जौ, अति यव, तौ के। तो जौ जो होता है वो सफ़ेद सूप वाला होता है, अति वो अति यव सूख रहित काले या अरुण रंग का है, तौ के सूख रहित हरित वर्ण का होता है। गुण कर्म की बात करें तो कसाय तथा मधुर रस युक्त होता है, कटु विपाक होता है, शीतवीर वात मलवर्धक है। प्रयोग आहार्य औषधि वैसे दो हैं, तो आहार्य रोटी सत्तू के रूप में लेते हैं, औषधि मेदो रोग तथा प्रमेह में यव प्रधान आहार का विधान है। प्रमेह में भुने यव का प्रयोग करते हैं। छर्दी, छर्दी मतलब वोमिटिंग हो गया, छर्दी निग्रहण, श्रमहर तथा स्वेदोपक गणों में उल्लेख, अतः इन विकारों में प्रयोग करते हैं। तो यहाँ हमारा शुक धान्य वर्ग खत्म होता है। इतना ही था शुक धान्य वर्ग में। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम समी धान्य वर्ग।